Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Last videos में हमने आपको XI 10.4 बताई थी. आज चलते हैं आपके next concept, angle subtended by an arc of a circle. किसी circle के एक arc द्वारा बना हुआ angle, यानी subtended angle उसका क्या होता है? तो हमने बताया एंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एंड्स ऑफ एन आर्क एट ए पॉइंट इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट ए पॉइंट सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ द सर्किल. कहने का मतलब यह है किसी आर्क के दो एंड पॉइंट को किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन कर दें. एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एंड्स ऑफ एन आर्क, आर्क के एंड को किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट होते हैं, दैट्स जो एंगल बनाते हैं फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द आर्क, आर्क के एंड को ज्वाइन करने वाले एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट द्वारा बना एंगल ही हमारा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क कहलाता है. जैसे आर्क एबी है, आर्क एबी को सेंटर ऊपर मिलाया गया तो एंगल एओबी इज नोन एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एबी एट द सेंटर. एंड इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी एट द पॉइंट सी इज नोन एज द एंगल एसीबी, नोन एज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एबी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल. यानी ये आर्क ए बी के दो एंड पॉइंट को एक पॉइंट सी पर जो ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट द्वारा जो बना एंगल ए सी बी है, ये एंगल हमारा क्या एंगल कहलाता है? एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ए बी एट द पॉइंट सी. इसके बाद दूसरा फिगर आप दे रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट हमने कंसेप्ट ये दिया है कि अगर दो एक ही सर्किल के दो आर्क इक्वल हों तो उन्हें हम कॉन्ग्रेंट आर्क कहते हैं. लेंथ अगर दोनों एक ही सर्किल की दो आर्क की लेंथ इक्वल है तो वो दोनों कॉन्ग्रेंट आर्क होते हैं. और कॉन्ग्रेंट आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर उनके द्वारा बने हुए एंगल क्या होते हैं? सबटेंड, यानी सेंटर पर सबटेंड एंगल बनाते हैं, यानी इक्वल एंगल बनाते हैं. यानी कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. यानी सेंटर ओ है, ऊपर कोई भी दो कॉन्ग्रेंट आर्क ले लेंगे तो उनके द्वारा जो एंगल पर सेंटर पर जो एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे. इसके बाद आपका है थ्योरम नंबर 10.8. थ्योरम 10.8 में ये कह रहे हैं द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. यानी एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. कहने का मतलब ये है अगर किसी सर्किल के एक आर्क द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल उसी आर्क द्वारा उस सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पर किसी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है. आई मीन अगर ये एंगल पीओ, ये आर्क पीओक्यू है, सेंटर पर एंगल पीओक्यू बना रहा है तो ये पीओक्यू एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल पीएक्यू का डबल होगा. ठीक है, एज द थ्योरम हैज रिटन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. यानी जो एंगल बनना है वो इस पर बने हुए एंगल का डबल होता है. गिवन आर्क PQ इज एन आर्क ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O एंड A इज एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. यानी ये कोई एक सर्किल है, PQ एक आर्क है एक सर्किल का जिसका सेंटर O है और A एक पॉइंट है उसके रिमेनिंग पार्ट पर. रिमेनिंग पार्ट का मतलब आर्क PQ को छोड़ करके दूसरी जगह पर. ठीक है, इसके ये पॉइंट A है, तब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल POQ इज डबल ऑफ द एंगल POQ, ट्वाइस एंगल PAQ. फॉर दिस, इसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया क्या, ज्वाइन AO एंड प्रोड्यूस इट टू B. ठीक है, ज्वाइन AO एंड प्रोड्यूस टू B, AO को ज्वाइन किया और B तक बढ़ा दिया. अब आप देखेंगे प्रूफ में एंड ट्राइंगल AOP AOP सिंस OA इक्वल टू OP.
रेडियाई, जब ये ओ इक्वल टू ओपी है तो फिर ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, आई मीन एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ पी ए, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो ओ इक्वल टू ओपी है तो हमारा क्या होगा, ओ इक्वल टू ओपी, तो एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ पी ए इक्वल टू एक्स से, मैंने इसको क्या नाम दिया एक्स, रीजन क्या होगा आपका एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, किसी ट्राइंगल की इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यानी दोनों एंगल इक्वल होगा, ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया, राइट। और आप देखिएगा सिमिलरली एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए इक्वल टू बाई से, यानी ये भी दोनों इसी तरह से ओ ए और ओ पी, ओ ए और ओ की दोनों ये रेडिया इक्वल होंगी और रेडिया इक्वल होंगी तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। सपोज मान लीजिए क्या नाम दिया हमने बाई, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां ये जो एंगल होता है पी ओ बी, सिंस एंगल पी ओ बी इक्वल टू पी ओ बी, आप देखें इंट्राइंगल ए ओ पी में ये पी ओ बी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, राइट, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, यानी पी ओ बी इक्वल टू एंगल होगा ओ ए पी एंड एंगल ओ पी ए, ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए, इससे हुआ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। Therefore, angle POB equal to OAP हमारा कितना है X और OPA कितना है वो भी हमारा X, this is 2X. Similarly, angle PQOB या BOQ equal to 2Y. ये हमारा जैसे 2x हो गया ऐसे इधर वाला एंगल 2y हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है एंगल POQ, एंगल POQ इक्वल टू एंगल POB प्लस एंगल BOQ, POB हमारा 2x और BOQ हमारा 2y, दोनों कॉमन लेंगे 2 बचेगा x प्लस y, ठीक है। बट x प्लस y को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा पी ए क्यू, x प्लस y इक्वल टू एंगल पी ए क्यू फ्रॉम फिगर, देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू ट्वाइस एंगल पी ए क्यू, यानी यहां x प्लस y वहां क्या रखेंगे हम पी ए क्यू, this is we have to prove। DAX Tutorials presents online interactive live classes, mobile number 8279452537। After that your theorem number 10.9 in which saying that angle in the same segment of a circle are equal, jaisa aap dekh rahe hain figure mein एंगल पी ए क्यू और पी सी क्यू क्या है एंगल इन द सेम सेगमेंट है, एंगल पी ओ क्यू एंड पी सी क्यू आर टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट का मतलब जैसे आर पी क्यू है तो एक सेगमेंट इधर पी क्यू इधर वाला हो गया और एक उधर, अगर इससे मान लीजिए इसकी अगर हम कॉर्ड को ज्वाइन कर दें तो क्या होगा सर्किल दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनर सेगमेंट होगा और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट होगा, इसके लिए
अब हमें ये प्रूव करना है ये एंगल PAQ और PCQ जो एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसके लिए वी हैव टू प्रूव PAQ इक्वल टू PCQ फॉर दिस कंस्ट्रक्ट इज दैट जॉइन OP एंड OQ, OP और OQ को जॉइन कर देते हैं। अब आप देखिएगा PQ एक आर्क है, इसके द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल POQ है और PAQ एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल है। तो आप यहां लिखेंगे सिंस एंगल POQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ, जो POQ है वो PAQ का ट्वाइस होगा बिकॉज द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल बाई द थ्योरम नंबर 10.8। सिमिलरली एंगल POQ इज ऑल्सो ट्वाइस एंगल PCQ, ये भी तो होगा PCQ, देयरफॉर ट्वाइस एंगल PAQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल PCQ, तो बोथ आर इक्वल टू द POQ, ये भी POQ के इक्वल है, ये भी POQ के इक्वल है, तो आपस में इक्वल हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल PAQ एंगल PCQ PAQ इक्वल टू PCQ दोनों इक्वल हो गए। आफ्टर दैट योर एक्स्ट्रा थ्योरम के रूप में हमने लिया है, स्टेटमेंट हमने दिया है इसमें एंगल एन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल, सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल हमारा क्या होता है राइट एंगल होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। जैसे एंगल इन द सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल गिवन एंगल PRQ, PRQ इज एन एंगल इन द सेमी सर्किल विद सेंटर O एंड POQ इज द डायमीटर, POQ हमारा क्या है डायमीटर है और PRQ एक एंगल है जो सेमी सर्किल बना है। वी हैव टू प्रूव एंगल PRQ इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए आप देखें जब ये POQ हमारा क्या है डायमीटर है तो ये बनने वाला एंगल यहाँ पर कितना होगा 180 डिग्री होगा, बट ये मान लीजिए सपोज ये आर्क है आपका PQ जिसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल है और इसी आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट पर बना एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल का डबल होगा, ठीक है। सिंस एंगल POQ इज ट्वाइस एंगल PRQ बाई थ्योरम नंबर 10.8 एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, डबल ऑफ द एंगल सबटेंड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी POQ इज द डबल ऑफ एंगल PRQ, बट एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज POQ इज ए डायमीटर का है या लाइन का है, एक लाइन पर बना हुआ स्ट्रेट एंगल 180 होगा, देयरफॉर ट्वाइस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 2 से 180 कट गया हमारा 90 टाइम, दैट इज एंगल PRQ इक्वल टू 90 डिग्री, दैट वी हैव टू प्रूव। After that, your theorem number 10.10, in which we have given, if a line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the four points lie on a circle. कहने का मतलब उनका ये, अगर कोई एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट को जॉइन करने वाला लाइन सेगमेंट एनी अदर टू पॉइंट्स पर जो उस लाइन सेगमेंट को कंटेन करने वाली लाइन के एक ही ओर हो, ठीक है, एक ही साइड हो, वहां पर इक्वल एंगल बनाते हैं, यानी एंगल PRQ और PSQ इक्वल है, तब ये फोर पॉइंट्स PQR एंड S लाई ऑन ए सर्किल, ऐसा हमें प्रूव करना है। एज वी हैव गिवन ए लाइन सेगमेंट PQ सबटेंड टू एंगल्स PRQ और PSQ इक्वल है, देन वी हैव टू प्रूव P, Q, R एंड S लाई ऑन ए सर्किल, है ना।
हमें प्रूव करना है कि ये एक सर्किल पर लाई करते हैं, यानी इनसे होकर के एक सर्किल जाता है। फॉर दिस हमने क्या किया, ड्रॉ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू एंड एस। हम फोर पॉइंट से तो नहीं खींच सकते, थ्री पॉइंट से होकर के किसी सर्किल का सरकम सर्किल खींचा जा सकता, किसी ट्राइंगल का सरकम सर्किल खींचा जा सकता। मान लीजिए पी क्यू एस का हमने एक सर्किल सर्किल खींचा जो पी क्यू और एस से होकर के जाता है, और सपोज इट इज नॉट पासिस थ्रू द पॉइंट आर। मान लीजिए आर से होकर के नहीं आता, वैसे ऐसा संभव नहीं है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली आर से भी होकर के जाएगा, लेकिन कंट्राडिक्टरी हम ये मान लेते हैं कि सपोज इट इज नॉट पासिस थ्रू द पॉइंट आर, पॉइंट आर से होकर नहीं जाता, देन प्रोड्यूस्ड पी आर, तब पी आर को बढ़ा देते हैं, विच कट्स द सर्किल एट क्यू जॉइन टी क्यू। तो पी आर को प्रोड्यूस करते हैं जो सर्किल को टी पर कट करता है, और टी को हम क्यू से जॉइन कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट योर प्रूफ आप देखेंगे, सिंस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, पी एस क्यू और पी टी क्यू एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बट एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू कहां से गिवन है, देयरफॉर पी एस क्यू इक्वल टू पी टी क्यू और पी एस इक्वल टू पी आर क्यू है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, पी आर क्यू आपका एक्सटीरियर है, देखिए पी आर क्यू ये है और पी टी क्यू आपका ये है, यानी ये एंगल इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। ये हमारा देखिए, जैसे सपोज ये कंडीशन बनी हुई है इस तरीके से, ये हमारा क्या है आर पॉइंट है और ये हमारा टी पॉइंट है, तो ये एंगल इसके इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब आर और टी सेम पॉइंट हो। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट आर एंड टी आर द सेम पॉइंट, यानी पी आर क्यू इक्वल टू पी टी क्यू तभी संभव होगा। तो आप देखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट्स आर एंड टी आर कोइंसाइड, कोइंसाइड पॉइंट होंगे, दैट देयरफॉर कोइंसाइड मींस पॉइंट आर और टी सेम पॉइंट हो गया, देयरफॉर टी एंड आर आर सेम पॉइंट, हेंस द पॉइंट्स पी कोमा क्यू कोमा आर एंड एस लाई ऑन ए सर्किल। जो एक सर्किल पर लाई करते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना था। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्किल। सिंपल डेफिनेशन है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टिसेस एक सर्किल पर हो। ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा अगर इसके चारों वर्टिसेस कहां हो, एक सर्किल को लाइक तो यानी एक सर्किल पर हो, तो हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आफ्टर दैट योर थ्योरम नंबर 10.11 in which we have given the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree, yani kisi cyclic quadrilateral ke kisi bhi opposite pair ka sum kitna hota hai 180 degree hota hai, yani angle a aur angle c ka sum 180 degree hoga, angle b aur angle d ka
सब 180 डिग्री होगा। एच बी आप गिवन ए कोऑर्डिनेट ऑन ए बी सी डी, सर्किल कोऑर्डिनेट ऑन ए बी सी डी, वी हैव टू प्रूव द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइकिल कोऑर्डिनेट 180 डिग्री। सपोज वी हैव गिवन ए बी सी डी इज ए साइकिल कोऑर्डिनेट एंड वी हैव टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। फॉर दिस वी विल जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ डी, ओ बी और ओ डी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब आप ये देखेंगे, ये मान लीजिए ओ एक सर्किल का सेंटर है और ये आर्क बी सी डी है, आर्क बी सी डी के द्वारा बना सेंटर पे एंगल बना एंगल बन है, यानी आर्क बी सी डी द्वारा सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर इज वन, यानी जो आर्क बी सी डी है इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है वो वन है और रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ एंगल ए है। तो आप ये देखेंगे सिंस एंगल वन इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए बाय थ्योरम नंबर 10.8, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल एंड एंगल टू इज ऑल्सो ट्वाइस एंगल सी। ऐसे अगर आप इधर की बात करते हैं एंगल टू की तो ये सी का डबल हो जाएगा वाले ट्वाइस एंगल सी बाय द थ्योरम नंबर 10.8। अब आप देखेंगे सिंस एंगल वन प्लस एंगल टू, अगर वन और टू को प्लस करेंगे तो कंप्लीट एंगल हो जाता है, इट इज 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। अब वन की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल सी, एंगल टू की वैल्यू ट्वाइस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री, टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री, 2 से ये 360 बार कट जाएगा 189 और दैट वी हैड टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल बी प्लस एंगल डी इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री दैट वी हैव टू प्रूव। आफ्टर दैट योर थ्योरम नंबर 10.12 इन विच वी हैव गिवन इफ द सम ऑफ इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का एक पेयर का सम 180 डिग्री हो द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, तो क्वाड्रिलेटरल वो क्या होता है साइक्लिक होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो एज वी हैव गिवन ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल इन विच इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी हैव टू प्रूव ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। फॉर दिस हम क्या करते हैं, ड्रॉ ए सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड डी, ए बी और डी से होकर जाता हुआ एक सर्किल हम ड्रॉ करते हैं। सपोज इट इज नॉट पास थ्रू द पॉइंट सी, मान लीजिए ये सी से होकर नहीं जाता है, वैसे ऐसा संभव नहीं है, अगर ए प्लस सी का सम 180 डिग्री है तो वो डेफिनेटली सी से होकर के जाएगा। मान लो सपोज इट इज नॉट पास थ्रू द पॉइंट सी देन प्रोड्यूस्ड बी सी, तब बी सी को प्रोड्यूस किया विच कट द सर्किल एट ई, जो सर्किल को ई पर कट कर दी है, ज्वाइन डी ई एंड ज्वाइन डी ई, बी सी को प्रोड्यूस कर दिया ई तक, ई पर कट कर दी और जी डी को ज्वाइन कर दिया। आफ्टर दैट आप देखेंगे सिंस ए बी ए बी ई डी इज ए साइकिल क्वाड्रिलेटरल, सिंस ए बी ई डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट्स ऑल फोर वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्किल, सो एंगल ए प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय द थ्योरम नंबर 10.11। बट एंगल ए प्लस एंगल बी सी डी, यानी ए और सी का सम हमें दिया हुआ 180 डिग्री, given है therefore
एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी सी डी, ए से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एंगल ई इक्वल टू एंगल बी सी डी, ई इक्वल टू एंगल बी सी डी हो गया। After that, आप देखेंगे एंगल ई और ई सी डी ये तभी पॉसिबल होंगे, अभी जो जस्ट बिफोर हमने थ्योरम नंबर 10.10 की थी उसी तरीके से है, ये भी तभी पॉसिबल होंगे जब ई, क्योंकि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल है, ये हमेशा इससे बड़ा होता है, ये तभी संभव है सी और ई कोइंसाइड हो। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन when the point E point E coincide coincide with point E point E, therefore point C and E, point E coincide with C, sorry C हुआ यहाँ पर थी, point C and E are same point. Same points हैं तो फिर ये C circle पर होगा, therefore the points A, comma B, comma C and D lie on a circle. Therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. That we have to prove. Amen. प्रूव करना था। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।